यार वो पेड़ में इतने अच्छे फ्लावर लगे हुए थे, सिर्फ भगवान के लिए तोड़ते हैं बेटा। ऐसे कैसे तोड़ दिए तुम लोगों ने, पूरा पेड़ खराब कर दिया। वेलकम बैक टू द व्लॉग। सुबह का एक चम्मच घी खा चुके हैं, अपनी कॉफी सुबह की बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आज स्कूल की छुट्टी हो गई सुबह सुबह, क्योंकि उसको तबीयत खराब थी, पीहू की भी तबीयत खराब थी, दोनों को चकड़न हो गई अंदर। ठीक है, अभी नहाने करने जा रही हो? नहीं अभी नहाने नहीं करनी है, आपने बीमार हो, देखो आवाज निकल नहीं रही मुँह से। इसको हमने जैसे कहा कि आज स्कूल की छुट्टी है, ये तो नाचने लगी सुबह, बल्ले 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 बल्ले। जैसे छुट्टी करी बिल्कुल तबीयत ठीक हो गई, सबसे ठीक है ये। आपने कुछ कहा, ये सीन देख चुकी है, फिर से इसने लगा ली। शुरू से स्टार्टिंग कर दी किसी आगे नाम की। पहले शुरू करा था, फिर से शुरू करा, अभी थर्ड शुरू करा। और बचपन में भी देख चुकी है, वो तो काउंट ही नहीं करती, वो तो भूल रही। दांत दिखाओगे के? बेटा अब निकलेंगे नहीं, अभी 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने से इस लड़की के दांत नहीं है, अब नहीं निकलेंगे बेटा, अब बिना दांत के शादी करनी पड़ेगी आपको। शादी करो, अरे अब नहीं आते, 4 महीने हो गए, अब नहीं आते। पीर दीदी के दांत नहीं आएंगे ना? आएंगे। नहीं आएंगे कह रही हो? आएंगे। पकड़ो भाई, कितनी सुंदर डॉल है पीयू का, पीयू का बेबी है ये। हाँ। प्यार कर लो इसको, ये मेरा बेबी, ये मेरे बेबी का बेबी। अरे इडली खा गए पापा के लिए, नहीं छोड़ी, निकाल पेट से, निकाल निकाल पेट से। और इसके पेट से इडली, चलो चलो इसके पेट से इडली, पापा की भी इडली खा गई। पीयू निकाल ले इसके पेट से, निकाल ले। हाँ। निकालो पेट से, पीयू निकाल ले इसके पेट से ना। पापा के लिए इडली क्यों नहीं छोड़ी? इतनी सारी थी रात को, बहुत सारी थी, इडली तो नहीं बची, लेकिन सांभर बचा। आपको लगा होगा सांभर इतना लाल कैसे, क्योंकि इसमें बीट रूट डाल दिया। कैन बीट रूट इज वेरी गुड फॉर। दोपहर के 4 बजे और फाइनली हमारा नहाना हो गया, चलो हो गया, चलो जो भी है। सुबह 4 बजे नहाता है, ऋतु आ गई क्या? अरे मम्मी आ गई है, बच्चों अपनी जो कार संभाला है समेटो, मम्मी आ गई, सबको धुनाई होगी सबकी, जल्दी समेटो, जब फैलाओ सबकी धुनाई करेगी मम्मी। आ रहे मम्मा के लिए, वेलकम। आ गई मम्मा, चलो मम्मा आ गई। ये बड़े अच्छे लेवल का प्यार चल रहा है, माओ प्यार करवा रहा दीदी से। क्या हुआ, अंडा मांग रहा है? आप क्या कर रहे हो हैं? अच्छा यहाँ ये चाय बना रही हो, वाह बेटा मेरे। यार वो पेड़ में इतने अच्छे फ्लावर लगे हुए थे, सिर्फ भगवान के लिए तोड़ते हैं बेटा। नहीं बेटा, ऐसे कैसे तोड़ दिए तुम लोगों ने, पूरा पेड़ खराब कर दिया बेटा। नहीं सुनो, पता क्या कि इन्होंने, देखो जहाँ ऊपर वाले जहाँ इनकी हाइट नहीं पहुँचती वहाँ के लगे हुए, नीचे के इस लेवल के सारे तोड़ दिए। देखो जलवा है हमारा, हंस रही है, हंस रही है वो। और सुनो इधर, चलो हमारी शाम की चाय बाहर यहाँ हो रही है, आज बहुत सालों बाद चाय पहा जी। हाँ पैर संभाल के, बहुत सालों बाद यहाँ पे हम चाय पी रहे, क्योंकि रितु ने चाय पीना कम कर दी है। तो जब आपका पार्टनर पीछे देख के चाय पड़ी है, एवोकाडो सैंडविच, और ये है हमारा नट बटर, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पीनट बटर। तो जिनको पीनट बटर पसंद है, ये नट बटर उससे 10 गुना अच्छा है, बट हाँ थोड़ा सा उससे कॉस्टली है, क्योंकि इसमें पिस्ता, कैश्यू, आलमंड और ऑब्वियसली पीनट तो है ही, तो प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाता है। लेकिन ट्रस्ट मी, या तो इसको आप लोग मत मंगाना, अगर मंगा लोगे तो भाई लुट जाओगे, इतना एडिक्टिव, क्योंकि इतना टेस्टी और हेल्दी है ना ये, बहुत एडिक्टिव है भाई। यहाँ बैठूंगा? नहीं, जगह दो, टिंगे उधर हो। आज को भी बिस्तर में इतनी जगह लेती है, सबसे टिंगू है लेकिन जगह सबसे ज्यादा। ये वो है, एच बनाती है, ये वो फाउंडर है जो काम सबसे कम करते हैं, इक्विटी सबसे ज्यादा ले जाते हैं। 50% कंपनी की रखी हुई है, काम कुछ नहीं करते, क्यों टिंगू मिंगू है ना, काम कुछ नहीं करते ना। चाय कब बनेगी? 2 मिनट में। सुबह मैंने कहा मम्मा ने आज छुट्टी के लिए बोला है, कहती है शुक्र है भगवान, ठीक है। मैंने कहा चलो, नहीं फिर मैंने कहा चलो नाक पे तेल भी डालना, कहती है मुझे स्कूल जाना है, 2 मिनट में पलट गई। A few moments later, ये मेरी फाइल है जिसमें मैं अपना पूरा देसी काओ की रिसर्च और घी के ऊपर रिसर्च सब मैंने कंपाइल करके रखी है, और ये मैंने ऑलमोस्ट पूरी निपटा दी है। तो मैं रिविजन कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, देखो ये देवी देवताओं का वास गाय के अंदर होता है। काउ अबव ऑल द गॉड्स, ब्रह्मा विष्णु ऑन द रूट ऑफ टू हॉर्न्स, ऑल द सेक्रेट रिजर्वॉयर्स एंड वेद यसा ऑन द टिप्स ऑफ द हॉर्न्स, लॉर्ड शंकरा ऑन द सेंटर हेड, पार्वती माता एच के हेड के एच पे, कार्तिकेय नाग पे, कंबाला अश्वतरा देवास ऑन, तो मतलब किन किन देवाओं का किस किस पार्ट पे वास है। संध्या देवा इन द हार्ट एंड सरस्वती इन द साउंड ऑफ काउ, जो गौ माता बोलती हैं। तो मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा काम पड़ गया इसका, क्योंकि अब हम थोड़ा सा देख रहे हैं पैकेजिंग वगैरह देख रहे हैं घी की, और बताना चाहिए लोगों को। तो मेरे को सबसे पहला पेपर जो मैंने पढ़ा था वो याद आ गया, ये श्लोक है अमृतम वै वघम क्रिया मिथ्या त्रिदश, तो
हिंदी इंग्लिश में लिख के डिफिकल्ट हो जाती है। तो बेसिकली मिल्क एज अमृत है। तो महाभारत में 65-46 जो का है, काउज मिल्क इज अमृत, दिस हैज बीन स्टेटेड बाय इंद्र द किंग ऑफ गॉड, सो देयरफॉर इफ वन डोनेट्स अ काउ ही डोनेट्स अमृत। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे सिर्फ देसी काउ की मिल्क हो रही है, और उस समय तो उससे बोलते हैं कि जो कामधेनु काउ है उसका सृजन समुद्र मंथन से हुआ था, और कामधेनु की बेटी थी सुशीला। तो सुशीला का विष्णु पुराण में भी बहुत वर्णन है। तो जो सहस्त्र अर्जुन राजा था वो सुशीला को लेने ही ऋषि जगदम्बनी के पास गया था, और जगदम्बनी ने कहा कि मुझे मार दो, लेकिन ये मेरी माँ है और एक पुत्र के नाते मैं इनकी रक्षा करूँगा। तो जगदम्बनी जी के बेटे थे परशुराम जी, वो उस समय कैलाश पे शिव जी से शिक्षा लेने गए हुए थे, शिव भक्त थे आपको पता है ना। तो पीछे से आया फिर सहस्त्र अर्जुन, दो तीन बार आया तो उनके पिता की सारी कुटिया जला गया, आश्रम जला गया, एंड फाइनली उनके पिताजी का सहस्त्र अर्जुन ने वध कर दिया। फिर तभी परशुराम जी आए और उन्होंने कहा कि क्षत्रिय अगर अपनी सीमाओं को लांघेगा तो फिर ऋषियों को, और जो जो क्योंकि उनका था कि समाज में ज्ञान बांटना है, हमें अस्त्र नहीं उठाना, लेकिन अगर कहेंगे अगर जो अस्त्र उठा रहा है वो गलत इस्तेमाल करेगा तो ऋषियों को भी अस्त्र उठा के पूरा हक है कि पूरे समाज को, फिर उन्होंने क्षत्रियहीन कर दिया। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि सच वॉज द वैल्यूज ऑफ इंडिया, कि काओ की क्या वैल्यू थी कि काओ के लिए अपनी जान भी दे दी, मतलब काओ नहीं जानी चाहिए माता। फिर देखिए ऋग्वेदा में लिखा है 171:9 आल्सो सेड गोशु प्रियम मम ऋतम रक्षमाना, काओ मिल्क इज अमृत, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, हेंस प्रोटेक्ट द काउस। जो हमारी मेडिकल की बुक है चरक शास्त्र, उसमें भी मिल्क की प्रॉपर्टीज दी हुई है। ये धन्वंतरी जो इंडियन फिजिशियन है, जो हम धनतेरस मनाते हैं दिवाली के पहले, वो भी धन्वंतरी जी के ऊपर होता है, एंड इनको बुलाया जाता है कि हाँ ये सबसे पहले डॉक्टर कह सकते हैं इनको, एंशियंट इंडिया के डॉक्टर, देवताओं के डॉक्टर थे। आजकल सब चले गए जिम से, मैं ही बचाओ लास्ट सेट, बॉडी ऐसी बनाओ कि कपड़े उतारने की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही कट सीख जाए। सब चले गए, चलो हम भी निकलते हैं भाई। रात को 10:30 कौन बंदा जाम लगाता है भाई, एक तो वैसे ही काफ मार के आए हैं भाई, क्लच पे पैर नहीं रखा जा रहा, पैर ऐसे ऐसे कांप रहा भाई क्लच पे रखते हुए। ओ भाई हमारी गाड़ी में कैसे वाइब्रेशन चालू हो गया यार, ठीक होगा ठीक होगा। नहीं नहीं चला ट्रैफिक, बस अभी रुके ना लियो, रुक गया आधा जाम तो इनकी वजह से लग रहा है, जो फुटपाथ पर चढ़ा चढ़ा के कुदा कुदा के गाड़ी अंदर ले जा रहे आगे। मैं आ जाऊं क्या? और मेरे साथ गुस्सा मेरी गाड़ी हो रही है आज। मैं कह रहा हूँ हमारी बीवियाँ सोचती हूँ कि हमारे पति बेचारे कितना काम करके आते, दिन में 8-8 घंटे काम करते, उनको पता नहीं 8 घंटे काम नहीं करते हम, सिर्फ 4 ही घंटे काम करते हैं, 2 घंटा सुबह शाम ट्रैफिक में फंसे रहते हैं भाई। कुछ तो पंगा हुआ है आगे भाई, अखंड त्यापा, कुछ नहीं है इस चौराहे पे, कुछ नहीं है चौराहे पे, सिग्नल नहीं है भाई, अगर सिग्नल नहीं होता ना तो यहाँ भसड़ बज जाती है। वो देखो वो ड्राइवर उतर के अपनी कार से सिग्नल चला रहा है भाई, ये चौराहा में ऐसी भसड़ है, पता नहीं यहाँ पे गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस सिग्नल क्यों नहीं लगाती इस चौराहे पे, क्योंकि जब तक तो यहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी रहती है, और वैसे तो रहते हैं दिन में तो 24 घंटा यहाँ पे ऑफिसर रहता है जो ट्रैफिक कंट्रोल करता है, जैसे ही ऑफिसर की ड्यूटी हटी यहाँ पे इस साइड जाम देखो भाई, जाम देखो, छोटा सा चौराहा है ये और फालतू में हजारों लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है।